जी, तो मैं वापस आ गई हूँ और कुछ काम भी घर में था और रमजान की आमद आमद है, तो आज क्या बना लेते हैं इसी सोच में खड़ी हूँ मैं कि क्या बनाऊँ, क्योंकि रमजान शरीफ की आमद आमद है और कुछ ऐसा बना लूँ जो कि पूरे रमजान में जो है लोग बनाते रहें, अपने रोजाना शाम में दस्तरखान को सजाते रहें। और मैं इसी सोच में हूँ कि मैं कुछ स्टार्ट लेती हूँ रमजान के लिए, चलती हूँ, देखें आप मैं क्या बनाती हूँ। और मेरे ख्याल में थोड़े दिन तक, मैं 15 दिन के बाद तो रमजान शुरू है, मैं इन दिनों में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ ताकि हमें रमजान में काम आए। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आए हैं हम आपके लिए दही की फुलकियाँ, क्योंकि मैं मिक्स पकोड़े बना चुकी और एक पकोड़े और बनाने हैं मूंग मसूर की दाल के। फ्रूट चाट भी मैंने पिछले दिनों बनाया, आज मैं दही की फुलकी लेकर आई हूँ रमज़ान की आमद और उसको खुश आमदीद कहते हुए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाती हूँ। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हमारी इन चीज़ों को कबूल कीजिएगा। तो चलते ही स्टार्ट लेते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बेसन ले लिया हमने, बेसन 1 पाव के करीब है, और ये मैंने दही लिया है और दही को हमने फेंट लिया। ये मैंने आलू बुखारा लेके गर्म पानी में भिगो दिया आधे घंटे के लिए। बस सारे मसाले कुछ भी मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ, मैं पहले भी कई बार मुतअद्दिद बार कह चुकी हूँ, ये मसाला इसमें जीरा भुना हुआ और लाल मिर्च साबुत ले लिया था, उसको भून लिया था तवे पे, और ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है इसमें, और थोड़ी सी हींग है, थोड़ी सी हींग है, और ये है सोडा। इसमें आप चाहें तो डालें और चाहे बीटर से अगर आप बनाएंगे ना तो वैसे ही सॉफ्ट उतर आएगा। ये सॉल्ट है वाइट वाला और ये कोकोनट का पानी है, कोकोनट का पानी है। आपको इंशाल्लाह स्पेशल और यूनिक सी दही फुल्की मैं बना के दिखाती हूँ। चलती हूँ, स्टार्ट लेती हूँ। इसको पहले मैं फेंट लूँ पानी में, थोड़ा सा मैं चुटकी पिंच ऑफ ये मैं ले लेती हूँ सोडे का। थोड़ा इसमें साल्ट डाल देते हैं, साल भी बहुत जरा सा। ये अच्छी तरह से हो गया है, और सब सेकंड मरहला इसका है कि ये दूध हम डालेंगे और दूध में ये थोड़ी दही मिला लेते हैं। ये किस लिए है? इसलिए कि जब हम पकोड़े बनाएंगे दही की फुलकी के लिए, जो पकोड़े बना के हम इसमें डायरेक्ट उतार देंगे, इससे बहुत सॉफ्ट दही की फुलकी होती है, बहुत टेस्टी होती है। इसमें पानी का इस्तेमाल तो नहीं होगा। कोकोनट का पानी,
शुगर आधा चम्मच, कोकोनट का पानी है और इसको आप देख लीजिए मैंने ये वाली बॉटल लिया है। कोई भी कोकोनट का कोई भी प्रोडक्ट जो है मतलब आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन होना चाहिए इस तरह से कोकोनट का वाटर होना चाहिए। कैमरा आपको दिखा दे, ये रिवर्स के तेल हो गया या हमारा ये जो मावा है ये अगर हो गया तो इसको इस तरह से देखते हैं, ये फौरन ही ऊपर आ जाएगा, फौरन ऊपर आ गया यानी कि ये अच्छी तरह से फिट गया जी, ये ऊपर आ गया, ये इसकी पहचान है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस बहुत छोटी छोटी डाली थी मैंने कटोरे और ये बड़े हो गए, इसलिए कि ये अच्छी तरह से फेंट लिए गए थे। आप चाहे हाथों से करें चाहे बीटर से, टाइम हो तो हाथ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, वैसे बीटर से भी होता है, मैंने इसको बीटर से किया। ये हमने दूध दही का मिला के जो मिक्स पानी रखा था उसमें हमने फौरन डाल दिया, और गर्म नहीं डालिएगा, गरम दूध दही के पानी में नहीं डालिएगा, वो जो है फौरन टूट जाएगी, ये सिर्फ सॉफ्ट होगी। और इसको व्यूअर्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस तरह से इसको निचोड़ लेते हैं, सॉफ्ट हो गई। क्या आ गई, वर्षा आपने देखा मैंने पानी कहीं नहीं डाला इसमें, और इसकी थिकनेस इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से ये थिक होना चाहिए, इसको ये पानी डालना है। जायके के लिए इसको बनाया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़रूर बनाइए गर्म दानों में। रिवर्स आप इसे देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड में और फैमिली फ्रेंड्स में, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें ताकि हमारी नई वीडियो और जो मैं बना चुकी हूँ वो सारी वीडियो आप देख सकें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। उस अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने मेहमान है। मुझे कैसे